छत्तीसगढ़ में भी इसी वर्ष चुनाव होना है, लेकिन वो नवंबर का महीना होगा। लेकिन अभी वहां क्या हालत है पानी की, जरा देख लीजिए। तो कांधे पर बाल्टी, स्टील के घड़े और सिर पर बड़े बर्तन रखकर पूरा गांव निकल पड़ता है पानी की तलाश में। इनके पैरों में न चप्पलें न तन पर पूरे कपड़े, बस आंखों में उम्मीद पानी मिल जाएगा। और चिलचिलाती धूप में तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद इन्हें पानी मिलता है, वो भी ऐसा पानी जिसे शायद पीना तो दूर आप हाथ लगाना ना चाहेंगे। जी गंदा है पानी, मैला कुचला मटमैला जो शब्द इस्तेमाल करना है कर लीजिए, लेकिन पानी तो पानी है। और ऐसा पानी पीकर किसे कौन सी बीमारी होगी यह भी ना सोचिए, क्योंकि पानी मिलता नहीं और पानी की बूंद इस तरीके से भी दिखाई दे जाए तो फिर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुर्सेकला गांव के लोग ना सिर्फ वो पानी पीते हैं जिन्हें पीने में एक बार जानवर भी हिचक जाए, ग्राम कुर्सेकला में पानी के बहुत समस्या हावे। तो हमारे यहाँ ऐसे एक दो बोरिंग खुदवाए गए हैं, लेकिन पानी उनमें नहीं है। और सीएम रमन सिंह के गृह जिले राजनांदगांव की त्रासदी तो देखिए, जिस उम्र में बच्चों के कंधे पर किताब कॉपियों से भरे बस्ते होने चाहिए, उस उम्र में इनके सिर पर पानी के बड़े बड़े बर्तन हैं, खाली बर्तन हैं, पानी भरने निकलना है। और किताबों से दिमागी कसरत करने के बजाय ये जिंदगी बचाए रखने के लिए पानी से ही दो दो हाथ कर रहे हैं। तो 400 लोगों की आबादी वाले कुर्सेकला गांव में पानी के लिए दो बोरिंग कराई गई, टंकियां लगवाई गई, लेकिन गर्मी है सब कुछ सूख गया। और कोई पूछने वाला नहीं कि विकास की कौन सी तस्वीर अब दिखाई जाए या दिखाई जाएगी, कि पानी के बोझ तले दबे इन नन्हे कदमों के लिए कौन सा ख्वाब संजोया जाए, शायद कोई नहीं समझ पाता, अधिकारी भी नहीं। तो माध्यम से ये संज्ञान में आया है कि निश्चित ही जांच कराई जाएगी और जो भी सुविधा है वो दी। तो ये हाल सिर्फ कुर्सेकला का नहीं, यह महत्वपूर्ण गांव है इसलिए हमने आपको दिखा दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के गांव दर गांव का हाल यही है। अब ये ना पूछिएगा कि आजादी के 70 बरस बाद पानी को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। जी पानी नहीं, इसे विकास कहते हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।